दोस्तों आपका स्वागत है नेक्स्ट जोन टेक में और आज हम करने वाले हैं रियलमी 6i की अनबॉक्सिंग, बताएंगे अपने फर्स्ट इंप्रेशन। तो दोस्तों कर लेते हैं यहाँ पे इसको अनबॉक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये फ्लिपकार्ट की सेल यूनिट है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके का यहाँ पे रियलमी 6i का बॉक्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस फ्लिपकार्ट के बॉक्स को रख देते हैं साइड और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का बॉक्स देखने को मिलता है। और यहाँ पे बात करें रियलमी 6i के बॉक्स कंटेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर टॉप पे देखने को मिलता है डॉक्यूमेंटेशन और उसके साथ आपको एक टीपीयू केस देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको एक अपना फोन मिलता है, ऐसे रखते हैं साइड में। और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ देखने को मिलता है आपको एक 30 वाट का फास्ट चार्जर, साथ में आपको एक केबल देखने को मिलती है, सी टाइप केबल है। और इसकी जो क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और इतने ही फोन बूट हो रहा है, मैं आपको थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ यहाँ पे इस स्मार्टफोन के बारे में। तो आपको Realme 6i में देखने को मिलती है 6.5 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले और आपको यहाँ पे फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। और ये जो डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। और बात करें यहाँ पे इसके पीछे की तरफ बैक पैनल के बारे में, डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पे आपको बैक में जो है प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिलती है, फिर पॉलीकार्बोनेट की बॉडी देखने को मिलती है और साथ में एक प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिलता है और पीछे आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। और दोस्तों रियलमी 6i की बाकी फीचर्स की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे कीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम डाले तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। और यहाँ पे अब ये फोन तो हो चुका है बूट, अब इसको एक बार टीपीयू केस में फिट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे टीपीयू केस के बारे में बात करो तो टीपीयू केस यहाँ पे जो रियलमी ने प्रोवाइड करा है काफी अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो है आपको चार्जिंग पोर्ट के ऊपर एक कैप टाइप में देखने को मिलती है, तो ये आपके जो बाहर डर्ट वगैरह जो है आपके सी टाइप पोर्ट के अंदर नहीं जाएगी आपके फोन के अंदर। और बाकी जो है अगर यहाँ पे ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पे ये फोन पे काफी अच्छी तरीके से फिट होता है ये टीपीयू केस। और यहाँ पे बात करें इसके रियलमी UI के बारे में, इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स रियलमी UI देखने को मिलता है जो कि एंड्रॉयड 10 के सपोर्ट के साथ आता है। और यहाँ पे रियलमी UI जो है काफी ज्यादा लाइट है, एज सच यहाँ पे आपको नेविगेशन ड्रॉअर वगैरह देखने को मिलता है। हाँ, अगर आप यहाँ पे अगर आप गूगल का जो स्टॉक एंड्रॉयड है वो यूज़ करते हैं तो एज सच आपको स्टॉक एंड्रॉयड वाला एक्सपीरियंस तो नहीं मिलता है, लेकिन आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड वाला एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलता है। और बात करें यहाँ पे इस स्मार्टफोन के पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको बॉटम साइड में देखने को मिलता है सी टाइप पोर्ट, राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे बॉटम फायरिंग स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपको 3.5 जैक देखने को मिलता है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखें फोन के तो यहाँ पे आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है और साथ में ये पावर अनलॉक बटन का काम भी करेगा। और लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात करो तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम एंड अप एंड डाउन बटन देखने को मिलते हैं, साथ में आपको जो है यहाँ पे सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। चेक कर लेते हैं किस तरीके का सिम कार्ड स्लॉट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको जो है ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड स्लॉट भी यहाँ पे लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड वगैरह लगा के अपनी स्टोरेज जो है यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने इसका फिंगरप्रिंट और यहाँ पे फेस अनलॉक जो है सेटअप कर लिया है और यहाँ पे आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो फिंगरप्रिंट है यार मुझे गिनती के 5 से 10 सेकंड लगे यार, और काफ़ी फास्टली जो है रजिस्टर हो गया। और फेस अनलॉक में भी मुझे यार गिनती के 5 सेकंड के अंदर ही जो है यहाँ पे फेस अनलॉक भी जो है रजिस्टर हो गया है। बाकी मुझे एक चीज़ की दिक्कत लगी, यहाँ पे अगर आप फिंगरप्रिंट का यूज़ करते हैं तो आप फेस अनलॉक नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि आप जैसे ही जो है वहाँ पे टैप करेंगे आपका फिंगरप्रिंट से ओपन हो जाएगा, तो इसलिए आप दोनों में से एक ही चीज़ जो है यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, या तो आप यहाँ पे फेस अनलॉक यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका फिंगरप्रिंट से ओपन हो जाएगा। तो बाकी आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कितना फास्ट जो है वर्क कर रहा है यहाँ पे फिंगरप्रिंट इसका, यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ और ये फिंगरप्रिंट जो है ओपन हो रहा है, तो काफ़ी वन ऑफ द फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट देखा है मैंने इस प्राइस रेंज के अंदर। और बाकी आपको काफ़ी ईज रहता है यहाँ पे एज कम्पेयर टू पीछे जो फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर आते हैं, यहाँ पे जो थंब फिंगरप्रिंट सेंसर रहते हैं जो यहाँ पावर बटन की जगह आते हैं ये ज़्यादा बेटर रहते हैं और जल्दी जो है ओपन हो रहा है। और बढ़ते हैं यहाँ पे फेस अनलॉक की तरफ, तो आप यहाँ पे फेस अनलॉक में भी देख सकते हैं कि काफ़ी फास्टली जो है यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। और मुझे एक चीज़ यहाँ पे अच्छी लगी कि जो यहाँ पे आपका कैमरा मॉड्यूल है पंच होल जहाँ पे आपका कैमरा मॉड्यूल है उसके ऊपर जो एक आपको एक लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है काफी फास्ट जो है यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट भी अवेलेबल देखने को मिलता है, वो भी इस प्राइस रेंज के अंदर। और दोस्तों मैं एक चीज और आपके संग शेयर करना चाहूंगा, मेरे पास फ्लिपकार्ट की तरफ से ये जो है स्मार्टफोन थोड़ा डिफेक्टिव स्मार्टफोन आया, क्योंकि मेरे को ये लगा क्योंकि यहाँ पे जो पीछे की जो बैक बॉडी थी यहाँ पे उसके ऊपर थोड़े बहुत स्क्रैचेस थे और यहाँ पे जो कैमरा बम था उस पर आप छोटा सा एक थोड़ा डेंट भी देख पाएंगे, तो मेरे पास थोड़ा सा डिफेक्टिव पीस है, बाकी रिप्लेस तो हो ही जाएगा फ्लिपकार्ट की तरफ से। और बात करें यहाँ पे इसके
लुक एंड फील के बारे में तो यार इन हैंड जो बोलूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से हाथ में फिट होता है। और अगर वेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे रियलमी ने वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छे तरीके से करा है। इतना हैवी नहीं लगता है यहाँ पे ये स्मार्टफोन, काफ़ी अच्छी तरीके से आपको लुक एंड फील इस स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। बट एक दिक्कत है, यहाँ पे आपको पीछे किसी तरीके की जो है ग्लास बॉडी नहीं देखने को मिलती है। तो अगर आप जो है विदाउट केस वगैरह यूज़ करते हैं तो आपके जो यहाँ पे फिंगरप्रिंट वगैरह जो है आपकी फिंगर्स के वो जो है आपकी पीछे की बैक स्क्रीन पे जो है विजिबल होते हैं। और साथ में जो है यहाँ पे अगर आप, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कवर के साथ ही यूज़ करें, वो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपके जो पॉलीकार्बोनेट की बैक होती है इस पर स्क्रैचेस वगैरह भी जो है जल्दी आ जाते हैं। और उसको बात करें आप इसकी वीडियो क्वालिटी के बारे में तो वीडियो जो क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है, व्यूइंग एंगल्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे IPS LCD देखने को मिलती है तो इतने ज़्यादा पंची कलर्स देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो इसकी पंच होल है मुझे इतनी ज़्यादा छोटी नहीं लगी है, अगर थोड़ी और छोटी होती है तो ज़्यादा बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता। और ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है, तो बॉटम फायरिंग स्पीकर काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, जो ऑडियो क्वालिटी है यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और बाकी आप यहाँ पे सुन भी सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके के ऑडियो एक्सपीरियंस आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। और बात करें यहाँ पे इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में तो आपको पीछे की तरफ एक 48MP का क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें आपको एक 8MP का अल्ट्रावाइड लेंस भी देखने को मिलता है। और जो आपको 48MP का सेंसर दिया गया है वो आपको सैमसंग का GM1 सेंसर देखने को मिलता है, और 2MP का आपको एक मैक्रो लेंस और 2MP का एक डेप्थ सेंसिंग सेंसर देखने को मिलता है। और साथ में बात करें यहाँ पे इसके फ्रंट कैमरे के बारे में तो यहाँ पे आपको जो है 16MP का एक सेल्फी कैमरा दिया गया जो कि पंच होल के अंतर आता है। और उस मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं जितने भी लेटेस्ट गैजेट्स वगैरह आते हैं फिर स्मार्टफोन्स वगैरह आते हैं उनके जो है स्पेसिफिकेशंस वाली इमेजेस और जो प्राइस रेंज होती है वो जो है वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। हर एक की जो है वीडियो तो बना नहीं सकता, तो इसलिए मैं जो इंस्टाग्राम पे लेटेस्ट टैग अपडेट्स देता रहता हूँ, तो आप मुझे जो है वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और बात करें यहाँ पे इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पे आपको MediaTek का Helio G90D का प्रोसेसर देखने को मिलता है। इस प्राइस रेंज के अंदर इस प्रोसेसर की जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर आप पबजी वगैरह खेलते हैं तो आपको यहाँ पे स्मूथ और अल्ट्रा सेटिंग्स पे आप जो है पबजी खेल पाएंगे। बाकी मुझे एक डाउट लगा यहाँ पे रियलमी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे आप अगर G90D के बाकी फोन्स देखेंगे तो आप स्मूथ प्लस एक्सट्रीम खेल पाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सट्रीम का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। बाकी क्या पता आपको इन फ्यूचर जो है इसमें रियलमी अपडेट वगैरह दे और आप जो यहाँ पे स्मूथ प्लस एक्सट्रीम FPS भी ले पाए, और यहाँ पे आप HD और हाई सेटिंग्स पे भी जो है पबजी खेल पाते हैं। तो मैं कहूँगा कि पबजी एक्सपीरियंस जो है इस प्राइस रेंज के अंदर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको 4300mAh की बैटरी देखने को मिलती है, तो आपको बैटरी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। साथ में आपको लेकिन यहाँ पे 30W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो आपका जो स्मार्टफोन है यहाँ पे 1 घंटा 10 या 1 घंटा 20 मिनट में जो है फुल चार्ज हो जाएगा 0 to 100 में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर आप गेम वगैरह खेल रहे हो तो आपका फ़ोन फास्ट चार्ज भी हो जाएगा यहाँ पे। और बात करें यहाँ पे इसके कैमरा पिक्चर्स के बारे में तो आप देख सकते हैं कि कैमरा जो क्वालिटी है मुझे यहाँ पे डिसेंट लगी, इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि 48MP के मैंने बाकी कैमरा स्मार्टफोन्स भी यूज़ करे हैं वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी स्मूथ एजेस देखने को मिली हैं, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे खींचते वगैरह हैं फोटो तो यहाँ पे मुझे लगा कि ये जो कैमरा था ये स्मूथ कर रहा था वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को। बाकी यहाँ पे आप क्वालिटी जो कलर कैप्चरिंग है या फिर डायनेमिक रेंज वगैरह है इस स्मार्टफोन के जो कैमरे की वो काफ़ी अच्छी है। क्या पता यार इसमें ये मेरा डिफेक्टिव स्मार्टफोन आया हो, तो इसमें पॉसिबल है क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पे ये जो स्मार्टफोन था इस पर स्क्रैचेस वगैरह थे। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि यहाँ पे रियलमी ने जो है अच्छी तरीके से कैमरे को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया है, और आपको इन फ्यूचर जल्दी जो है यहाँ पे आपको कैमरा ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड शॉट्स वगैरह थे वो भी काफ़ी अच्छे आ रहे थे, बट वही मैं आपको जो बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो स्मूथ एजेस आपको देखने को मिल रही थी, और जो 2MP का मैक्रो था यहाँ पे वो यूजलेस है, कुछ भी यूज़ का नहीं है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे क्वालिटी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे काफ़ी लो क्वालिटी है। बाकी इसी स्मार्टफोन में नहीं, जो इस स्मार्टफोन के जितने भी मतलब इस प्राइस रेंज के अंदर जितने भी स्मार्टफोन्स आते हैं 20,000 के अंदर, उन सब में 2MP का मैक्रो दिया हुआ होता है, तो वो
यूजफुल तो है ही नहीं यार, क्योंकि वहां पे आपको इतनी ज्यादा क्लैरिटी देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पे जो इसका पोर्ट्रेट है, एज सच मैं कहूंगा कि पोर्ट्रेट ठीक ठाक है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे स्मूथ स्किन को काफी स्मूथ कर देता है, और एजेस एज डिटेक्शन में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें कर देता है, आपको जो एजेस है वो स्मर्ज एजेस देखने को मिलती है पोर्ट्रेट में काफी जगहों पे। और दोस्तों यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा 16MP का देखने को मिलता है, इसके शॉर्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं इंप्रेसिव हूँ इसके 16MP के जो यहाँ पे सेल्फी कैमरा दिया गया है एज कम्पेयर टू रियर कैमरा। यहाँ पे आपको एज सच यहाँ पे क्लैरिटी जो है काफी अच्छी देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो है आपको अगर पोर्ट्रेट शॉट्स के बारे में बात करें तो पोर्ट्रेट शॉट भी काफी अच्छे आते हैं, थोड़ी बहुत आपको एज डिटेक्शन में इश्यूज देखने को मिल जाता है। बजट फोन है, 20,000 के अंदर का फोन है यार, अगर बजट फोन में हर एक फोन में जो है एज डिटेक्शन का इशू आ ही जाता है पोर्ट्रेट में। और यहाँ पे अगर आप कैमरे का जो डिटेल्ड रिव्यू भी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ स्टे ट्यून कर सकते हैं, जब तक ये फोन रिप्लेस नहीं हो जाता मैं डिटेल कैमरा रिव्यू नहीं करने वाला हूँ, तो जल्दी 3-4 दिन में जो है कैमरा ये जो फोन है रिप्लेस हो जाएगा, मैं कैमरा डिटेल रिव्यू यहाँ पे बना दूंगा, तो आप मेरे चैनल के साथ स्टे ट्यून कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और साथ में मैं जो है यहाँ पे इसका पबजी वगैरह भी खेलूंगा और इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट भी करूंगा, तो उसके लिए भी आप जो यहाँ पे मेरे चैनल के साथ स्टे ट्यून रह सकते हैं। और यहाँ पे जो मेरे पास वेरियंट है ये 4GB 64GB वाला वेरियंट है, और इसमें आपको UFS 2.1 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, तो आपको हमें फास्ट स्टोरेज का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, और बाकी जो है यहाँ पे इसकी प्राइस रेंज है 13,000 के अराउंड है, तो मुझे सेल में यहाँ पे अभी फ्लिपकार्ट की फ्रीडम सेल चल रही थी तो उसमें 12,000 का पड़ा है, 1,000 rupees ऑफ हो गए, तो इतने प्राइस रेंज के अंदर मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको रियलमी नार्जो 10 और रेडमी का जो है आपको यहाँ पर रेडमी 9 प्राइम देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ रियलमी 6i के फर्स्ट इंप्रेशन, बाकी डिटेल रिव्यू के लिए आप जो यहाँ पे मेरे चैनल के साथ स्टे ट्यून कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बने रहिए नेक्स्ट टेक के साथ, फ्यूचर में अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी।